गांव में गया, इतना गांव का पानी पिया, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक है। रोड टेम्परेचर चेक भी होता है, सब ठीक है, भगवान की दया है और कोई बात नहीं है। ओके, देखे ना देखे पर वो ऊपर वाला तो देख रहा है, सवाल ही नहीं, उसी की तो दुनिया है। हाँ, उसी की तो दुनिया है, अपना है, तो देख रहा है ना भाई। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, सो मैं बल्लू जी के साथ हूँ, उदयपुर के रहने वाले हैं। बल्लू जी, क्या उम्र है आपकी? मेरा होगा सर 34-35 साल के हैं। तो बस अपने हम उम्र है, और उदयपुर में भगवान ने इनको हमारा हम सफ़र भी बना दिया है। बल्लू जी मुझे पहले पिचौरी लेक लेके जाएंगे, पिचौला लेक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे फतेह सागर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे सहेलियों की बाड़ी। इंग्लिश में बताया जाए तो कैसे, गार्डन ऑफ फीमेल फ्रेंड्स। हाँ, उदयपुर जैसे आप सब जानते हैं, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस एंड अ हिस्टोरिक प्लेस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। पहले जो राजा का ओरिजिनल शहर था, वो 22 किलोमीटर का जो शहर था, उसकी ये दीवार है ना, उसके बॉर्डर से हम पहले अभी गुजरे। जी हाँ, और अभी हम जा रहे हैं पिछोला लेक। जी, आप चलाते हुए ध्यान बटाए बिना आप जो बता सकते हैं उदयपुर के बारे में बताइए। अभी जो जाएंगे अपन, जो फर्स्ट में जो राइट साइड में जो गार्डन आएगा, हाँ, वो अभी के जो परजैन के जो राजा हैं, हाँ, महाराणा महेंद्र सिंह जी वो अभी के राजा है। हाँ, सो महाराणा महेंद्र सिंह जी इज द किंग ऑफ उदयपुर राइट नाउ। हाँ जी, हाँ, बड़े वाले भैया हैं। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी से निकलेंगे अपन। ओके, हम उनकी प्रॉपर्टी से जाएंगे अभी। हाँ, यहाँ से स्टार्टिंग ये जो बाउंड्री है ना, हाँ, राइट साइड में बाउंड्री, हाँ, ये उनका है, पर्सनल, ये पर्सनल है सब उनका। इसको बोलते हैं समोर बाग गार्डन। क्या बोलते हैं? समोर बाग। यस, मैरिज के लिए बुकिंग होता है। अच्छा। और आगे बना हुआ है रेस्टोरेंट, उनका खुद का निजी। ये रेस्टोरेंट नजर आ रहा है। हाँ, ये रेस्टोरेंट है। यस, क्या बात है, उनका पर्सनल रेस्टोरेंट है, मतलब पब्लिक जा सकती है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, वहाँ तो जाएंगे। हाँ, पर अभी चालू नहीं है। अच्छा, ऑफ कोर्स, कोरोना के कारण बंद है। हाँ, छोटे वाले ब्रदर हैं। हाँ, जो महाराणा अरविंद सिंह जी परजेंट में राजा है अभी। हाँ, महाराजा अरविंद सिंह जी। यस, तो अभी राजा महेंद्र सिंह जी है कि नहीं, छोटे वाले ब्रदर है। हाँ, महाराणा अरविंद सिंह जी परजेंट में अभी। अच्छा, वो अभी राजा है अरविंद सिंह जी। हाँ जी, जिनका ये पैलेस, लेक पैलेस, जग मंदिर, सब प्राइवेट है, उनका ही। हाँ, जहाँ भी आप विजिट करेंगे। हाँ, जल पैलेस, जग मंदिर। वाह, नाम बढ़िया, सब सोच लेते हैं यार लोग यहाँ पे। आपके माध्यम से सारा विजिट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, पूरे विश्व के लोग आपके रिक्शा में बैठे बैठे हमारे फ़ोन से देख लेंगे उदयपुर को। अच्छा ही है, कोरोना काल में सब कहाँ घूमने निकलेंगे, तो सब ऐसे ही दर्शन कर लेंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये पिछोला आ गया? नहीं, ये छोटा लेक है। छोटा लेक, इसको बोलते हैं दूध तलाई। क्या बोलते हैं? दूध तलाई। सो दिस इज दूध तलाई इन उदयपुर, एंड उदयपुर स्टिल हैज अ किंग, एंड द किंग हैज अ बिग एक्सटेंडेड फैमिली, ऑफ कोर्स। नहीं, ऐसे ही चलो, उतना उतरना नहीं है। बढ़िया है, बहुत सुंदर है। वाह वाह, ये हम आपको उदयपुर का पिछोला लेक का व्यू बता देते हैं। जी, ये पिछोला लेक आ गया। बढ़िया। हाय नेहा, हे धोनी, और कौन है इधर? आदित्य इज हियर, श्याम, यग्स, ग्रैब माइंडर, हुज ग्रैब माइंडर? इज इट प्रणय? इट्स फन गेसिंग पीपल्स नेम्स फ्रॉम देयर आईडीज, एंड चेतन है इधर। देयर्स क्वाइट अ फ्यू पीपल। या, सो अपन उदयपुर की सैर पे निकले। वी आर इन पिछोला लेक राइट नाउ। वाओ, दिस बोगनविलियाज एवरीवेयर। वाओ, ऑरेंज बोगनविलियाज, आई हैव नेवर सीन देम बिफोर, दिस इज सो ब्रिलियंट। जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे भी छोटा मोटा गार्डनिंग का शौक है। मेरे घर में 200 पौधे होंगे, पर मैंने कभी ऑरेंज बोगनविलिया शायद नहीं देखा। हाँ जी सर। वाह, पिछोला लेक है ये। जग मंदिर आइलैंड। अच्छा वही, अच्छा वो आइलैंड है पूरा, क्या बात है। रेस्टोरेंट एंड कुछ रूम बने हुए हैं। हाँ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ महाराणा अरविंद सिंह। ये दिस इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द किंग। ये लेक भी, ये लेक, द लेक एंड देयर इज अ पैलेस एंड अ रेस्टोरेंट एंड अ होटल, आइलैंड इन द सेंटर ऑफ द लेक एज यू कैन ऑल सी, एंड या दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द महाराजा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये लेक पैलेस होटल है। अच्छा वो लेक पैलेस होटल है। ये किसका फोन आ गया, एक सेकंड। ओह सॉरी अबाउट इट। या सो दैट वाज माय कजिन उर्वेश, माय स्वीट ब्रदर फ्रॉम बॉम्बे। हाँ जी ये। और वो क्या बताया आपने, वो लेक पैलेस है राइट वाला वो। वाह। और ये जो माउंटेन्स है वो क्या अरावली है, क्या है अरवली? ये बैक साइड में जो है ना, हाँ लीला ग्रुप का होटल है। अच्छा लीला का, हाँ जो बॉम्बे में वो लीला कैंपेन्स की वगैरह, हाँ वो पूरा बैक साइड वाला। और वो है येलो कलर का जो देख रहे हैं ना पूरा। हाँ। बच्चे का जो कार्यक्रम हुआ था ना, हाँ वो वहाँ हुआ था, उदय विलास। यस धीरूभाई अंबानी की बच्ची का शादी वहाँ पे हुआ था। क्या बात हुआ था, मंगनी मंगनी हुई थी वहाँ पे। हाँ जी। और वो जो बड़े बड़े जो देख रहे हैं सारे रिसोर्ट और होटल हैं। अच्छा वो भी सब रिसोर्ट और होटल ही है। हाँ पहाड़ के ऊपर है। हाँ पहाड़ के ऊपर है। अब अंदर जाके थोड़ा व्यू करके आइए। दिस लेक पैलेस इज एवरीवेयर, होटल्स एवरीवेयर। It's out of this world. इसका फोटो लेना। क्या बात है। अरे वाह। अरबी दे देंगे आपको। ऐसा टर्बन पहनाएंगे, ऐसा करके। अच्छा टर्बन पहना के फोटो। नहीं चाचा मुझे नहीं खिंचवानी। नहीं नहीं मेरे थोड़ा शर्म आता है फोटो खिंचवाने में। तो आपकी ड्रेस में ले लो। अरे नहीं 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 थैंक यू चाचा। क्या कर रहे हो घूमने? And of course you can hear peacocks in the background everywhere you go in India. I mean since the day I left there's not been one day that I haven't heard peacocks. I can really feel why they are the national birds of India. They are not just magnificent, beautiful big birds, but yeah they are everywhere and they can be heard everywhere. You can't see them everywhere but you can definitely hear them everywhere you go. This is beautiful. Very well maintained. Of course Rajasthan is the state of, it's the royal state, it's the realm of the Maharajas. Yeah I'm so happy, whatever the reason मेरे इंजरी के कारण आज वॉक थोड़ा बंद है, पर मैं सोचा कि उदयपुर घूमते हैं। And Udaipur is known as the city of lakes of course, so yeah beautiful city. Yes Devashree, it is out of this world, it's just beyond words. नहीं सर नहीं मुझे नहीं खिंचवानी सर, थैंक यू सर। I think I've lost my guide. Let's see. Ballu ji. Nahi award nahi aa sakunga. Look at the attention to detail. And most of the construction is stone, of course, in Udaipur. I love it. I mean, it's so much better than the brick and concrete stuff we see everywhere in the cities. Concrete is hot. Concrete makes the cities hot because you can hear cuckoos in the background as well. This bird song has kept me company throughout. I mean, throughout. I think I wouldn't have come this far had it not been for the company of all the birds and the songs. Okay, a small break. I'll join you again in 5 minutes. If possible, bring your friends on. We are doing a tour of Udaipur today. Yeah, so the 40,000-kilometer walk comes to Udaipur. And yeah, let's do a tour. I'll see you guys again in, say, 5 minutes. I hope you guys can join me again. Just ask your friends to join. Anyone who's fed up of lockdowns and want to hang out with me in Udaipur, just come along. I'll see you in 5 minutes, guys.